हे गाइस, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे फ्री फायर मैक्स में जो प्रॉब्लम आती है डेली अपडेट्स के, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे। तो आप लोगों को पता होगा, मतलब आपको डेली 75 या मतलब 45, मतलब जिस कैपेसिटी आपका फ़ोन लेता है उस पे में आपका आ जाता है अपडेट। मेरे में यहाँ पर 74 MB का अपडेट देता है, मतलब ये डेली देता है। तो आपका कोई और फ़ोन होगा तो आप में इससे कम होगा या ज़्यादा होगा, मतलब जितना कैपेसिटी आपके फ़ोन का होगा उतना आपका MB लेता रहता है। तो इस वीडियो में आपको ये सोल्यूशन बताएंगे आपको कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे अपडेट्स से यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ मतलब ये डेली आते हैं। तो आपको इस वीडियो को स्किप मत करना है, आपको लास्ट में इन तक देखना है। अगर आप एक भी स्टेप मिस कर दोगे तो आपको वो सोल्यूशन नहीं पता चलेगा। तो एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे एक सेटिंग बताऊँगा जो आप कर लेना, एंड ये करने के बाद आपको डेफिनेटली ये वर्क करेगा। तो सबसे पहले आपको ये मोबाइल का सेटिंग ऑन कर लेना है, अपने फ़ोन का सेटिंग, एंड वहाँ पे आपको DNS करके सर्च करना है। वहाँ पे DNS जब आ जाएगा तो वहाँ पे ऑन करना है। तो मैं यहाँ पे पहले स्टेप बाई स्टेप दिखा देता हूँ। तो पहले यहाँ पे DNS सर्च कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे आपको ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑटो पे कर देना, यहाँ पे ऑफ रहेगा तो आपको यहाँ ऑटो पे करके छोड़ देना है, एंड बैक आ जाना है। एंड आप बैक आने के बाद आपको होम स्क्रीन पर एक और मिलेगा यहाँ फ्री फायर का। तो फ्री फायर में आप वहाँ पे ऐप इन्फॉर्मेशन जाके क्लियर डाटा कर लें। तो यहाँ पे देख लो यहाँ पे कैसे करना है। ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना है, एंड यहाँ पे आपको स्टोरेज यूजेज मिलेगा, नहीं इसमें बैक आ जाना है, एंड स्टोरेज यूजेज में जाना है। एंड इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर कैश पे क्लिक करना है, ना कि क्लियर डाटा पे। क्लियर डाटा पे क्लिक करने के बाद आप पे यहाँ पे फ्री फायर फिर से स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर से मतलब डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे हो जाने के बाद आपको फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपडेट दिखा ही रहा था आपको, या फिर से इसको पहले रिमूव कर देना है। इसको फिर से इसको ओपन करना है, यहाँ पे रिमूव करने के बाद, यहाँ पे कर लेने के बाद फिर से यहाँ ओपन करना है आपको, एंड यहाँ पे ओपन होने देना है। एंड यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे अपडेट ले रहा है या नहीं ले रहा है, एंड डेफिनेटली मैं श्योर हूँ यहाँ पे अपडेट अब नहीं लेगा। जो मेट्रिक बताऊँ वो 100% वर्क करेगा। तो यहाँ पे वर्क कर गया है, देख लीजिए, एंड इन तक दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे लोडिंग हो रही है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटली ओपन हो चुकी है। मैं अंदर तक ओपन करके दिखा देता हूँ, ID भी ओपन करके दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटली ओपन हो चुकी है, यहाँ पे कोई अपडेट नहीं लिया है। एंड यहाँ पे मैं कुछ और भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने अकाउंट में कभी टॉप अप नहीं करवाया, एंड यहाँ पे ये सारे चीज़ जितने हैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने खुद जीते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से लक्की रॉयल में यहाँ पे टोटली ये फाइंड किया हुआ। एंड ये जो देख सकते हैं आप, ये वाला ये ड्रेस भी मैंने यहाँ से, ये रेनवे वाले ड्रेस है, यहाँ पर मैंने खुद फाइंड किए हुए हैं। एंड यहाँ पर आपको एक और ट्रिक दिखा सकता हूँ, आपके सामने मैं दिखा दूँगा मैं ये कैसे फाइंड किया हूँ। तो यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे ये आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 10 स्पिन एक ही बार में करूँगा 3000 देके। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3000 स्पिन करूँगा यहाँ पे एक बार में। एंड यहाँ पे देखिए ये कॉन्स्टेलेशन भी आ चुका है, यहाँ पे मैंने रेनबो वाला फिर से जीत लिया। यहाँ पे रेनबो सनशाइन बंडल है, मैं तो बंडल ही मैंने जीत लिया। तो आप देख सकते हैं ऐसी ट्रिक जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो पसंद है तो लाइक कर लेना। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड आपको अगर टॉप अप करने में प्रॉब्लम आ रही है आप फ्री फायर में, तो ये ऊपर जो वीडियो आ रही है आप उस पर क्लिक कर लेना।